जय हिंद मेरे तमाम साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो को विजिट कर रहे हो ना कि सर खुशखबरी है 50 नंबर वालों के लिए, यानी कहने का क्या मतलब है कि हाल ही में क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, अरे डी ग्रुप का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, सारे क्या डाल रहे हैं कि सर कट ऑफ जाने वाली है ना मेरे प्यारे साथियों, वो क्या रहेगी जी 50 से 70 रहेगी, 60 से 70, 70 से 80। तो मेरे प्यारे साथी ये कहीं ना घबराए हुए हैं सर जी, ये डिमोटिवेट बैठे हैं बच्चे। तो इन सारे तमाम साथियों को बता दूँ मेरे प्यारे सती, ये खुशी का मौका है, इसे गवाइए मत, क्योंकि सर ये 50 नंबर अगर आप लेकर जा रहे हो ना कहीं अपने आप को ये समझ लो मेरे प्यारे साथी कि आप कंपटीशन लड़ने के लायक हो मेरे प्यारे साथी। डीमोटिवेट मत हो, ये खुद को मोटिवेट कर लीजिए, क्योंकि सर अगर कट ऑफ 60 तक जाती है, 65 तक जाती है, तो मेरे प्यारे साथी आप रहे कितना, यानी ये आपके लिए एक तरीके का वो एक्सपीरियंस रहने वाला है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यानी अभी घबराइए मत, अभी तो आंसवीर की आने वाली है। अगर आप 50 नंबर वाले भी हो ना तो खुश रहिए मेरे प्यारे साथी, ये सोचिए कि चलो इस बार 50 लिए हैं मैंने, 50 तो क्रॉस कर दी, अगली बार क्या है एग्ज़ाम को भी क्रॉस कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है, जो डीमोटिवेट स्टूडेंट है ना वो कह रहे हैं आप कहीं, मैंने आपको बताया हाल ही में मैंने वीडियो डाली थी कि गीता जी कह रहे थे जी सर जी मेरा आखिरी चांस है, एक और में पायल जी का भी फ़ोन आया था जी सर जी आखिरी चांस हमारा, अभी जैसे पहले 4 साल के बाद 5 साल के बाद एग्ज़ाम हुआ, अब तो 5 साल हमारे से तो इतना नहीं निकलेगा। हम भी मानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि 5-5 साल एक चीज़ को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि लड़कियों की तो खास करके शादी हो जाती है, इसके बाद में घर वाले काम में लग जाते हैं, घर वाली फिर तैयारी हो नहीं पाती है। तो उनका कहना भी सही था कि सर जी अब क्या आखिरी चांस था हमारा, अगर अब नहीं हुआ ना तो देखो गुरु जी टेंशन मत लीजिए, चांस आखिरी होता है हर बार, उसको पहला बनाना पड़ता है। हर बार कोई भी काम करोगे ना आखिरी होगा, उसको पहला बनाना पड़ता है, ठीक है ना मेरे प्यारे साथी। तो 50 वालों अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, देखो चांस तो बहुत कम है 50 वालों के, तो कोई चांस ही नहीं है, लेकिन वो दुखी मत होना, खुद को मोटिवेट रखना कि इस बार 50 मारी है, अगली बार शतक भी पूरा कर देंगे। हर बार देखो बड़ा सा बड़ा योद्धा भी है ना, सचिन तेंदुलकर भी है ना मेरे प्यारे साथियों, हर बार शतक नहीं लगाता, वो भी 0 पर बहुत बार आउट होकर गए हैं, समझे ना मेरे प्यारे साथियों। तो वो डिमोटिवेट नहीं हुआ कि मैं अगला मैच खेलने नहीं आऊँगा या मैं छोड़ दूंगा, नहीं मेरे प्यारे साथी, उन्होंने फिर से ट्राई किया, अगले मैच में अच्छा किया, कभी अच्छा किया कभी बुरा किया, चलता रहता है लाइफ मेरे प्यारे साथी। डिमोटिवेट होना जरूरी नहीं है। और कट ऑफ की बात की जाए मेरे प्यारे साथी, तो वो तो मैंने बता ही दिया मेरे प्यारे साथियों कि लगभग 60 से 65 के बीच में लगभग कट ऑफ रहने वाली है एससी वालों के लिए, यहीं तक रहेगी। लोग कह रहे हैं जी 70 जाएगी, 90 जाएगी, 95, तो वो तो नहीं जाने वाली, इतना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए मेरे प्यारे साथी यही देना था कि खुशखबरी, यानी खुश हो जाइए मेरे प्यारे साथियों, दुखी मत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे।